मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू माइनस वन अपॉन क्यू की, और उसके बाद क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू मुझे आगे मालूम करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्यू की वैल्यू पुट कर देता हूँ, लिख देता हूँ क्यू की वैल्यू जो है तो यहाँ से भी सेवन ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट टू और अंडर रूट थ्री मेरे पास नीचे आ जाएगा, वन अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री इस फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वन अपॉन क्यू की मेरे पास वैल्यू आ तो गई, बट ये इससे प्लस माइनस होगी तो आगे सवाल भी गलत हो सकता है और आगे आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो इस वजह से हम लोग इस वैल्यू को निकालने के लिए रैशनलाइज का मेथड करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, वन अपॉन क्यू मैंने एज इट इज लिख दिया इक्वल टू वन अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गई है अपोजिट साइड पे, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी और अगर अगर नेगेटिव है तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री, यहाँ पे भी अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर के साइन बीच में अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा साइड पे जाके, और अगर पॉजिटिव अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे उस जगह पे जाके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन वन अपॉन क्यू लिख देंगे ऐसे, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री, देन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इनको, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अलग अलग ब्रैकेट में इसको सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री, ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होता है अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री। यहाँ पे फॉर्मूला का रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें मेरे पास तो इसी तरीके की फॉर्म आ रही है, एक वैल्यू प्लस का आ रही है एक वैल्यू माइनस का आ रही है, ये चीज मेरे पास ए है और ये चीज बी है, इसी तरीके से ये चीज यहाँ पे ए है और ये चीज बी है, ठीक है। तो मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये वैल्यूज वहां पे जाके पुट कर देता हूँ, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में अंडर रूट टू प्लस थ्री, हमें डिनोमिनेटर पे काम करना है, क्वेश्चन स्टार्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने में क्वेश्चन में बता दिया था डिनोमिनेटर पे हमें काम करना है, ठीक है, एक ही जगह पे ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट टू का स्क्वायर बीच में माइनस का साइन और बी की जगह पे अंडर रूट थ्री उसका होल स्क्वायर, ठीक है, न्यूमिनेटर एज इट इज आ गया अंडर रूट थ्री, इस टू से स्क्वायर रूट कैंसिल, पावर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी पावर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां मेरे पास क्या बचा, टू माइनस थ्री, टू में से थ्री माइनस होगा तो माइनस वन बचेगा। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने किया था, हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर आ रहा था वो हमेशा पॉजिटिव में आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर टेन में डिनोमिनेटर हमारे पास नेगेटिव में आएगा, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स ले लेंगे। एडिटिव इनवर्स कैसे देखते हैं, जो भी साइन अगर यहाँ पे मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो आगे के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, जैसे अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसका एडिटिव इनवर्स ले लेता हूँ, साइन माइनस साइन इसका कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, अंडर रूट टू प्लस
ठीक है, माइनस का साइन था यहाँ पे, कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास अंडर रूट टू क्या था, पॉजिटिव में था तो ये नेगेटिव में आ गया, और अंडर रूट थ्री मेरे पास नेगेटिव में था, ये हो गया पॉजिटिव में, ठीक है, और माइनस का वन था तो ये पॉजिटिव में चले गया, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ से हम हटा देंगे, और अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ, जैसे पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख दूंगा और नेगेटिव वाली वैल्यू बाद में लिख दूंगा। अंडर रूट थ्री मैंने पहले लिख दिया, माइनस अंडर रूट टू बाद में लिख दिया अपॉन वन, ठीक है। अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू मेरे पास वन अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई। अब मैं इस वैल्यू को क्यू से माइनस कर दूंगा, आगे सवाल फिर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्यू अब मुझे क्या निकालना है, क्यू माइनस वन अपॉन क्यू, पिछले क्वेश्चन का मतलब क्यू प्लस वन अपॉन क्यू निकाल चुके हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यू की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री, और बीच में माइनस का साइन, और वन अपॉन क्यू की जगह पे वन अपॉन क्यू की वैल्यू जो मैंने निकाली थी अभी आपके हम वो पुट कर देते हैं, अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू, ठीक है। क्यू माइनस वन अपॉन क्यू, देन अब ये साइन जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री माइनस प्लस माइनस 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 प्लस अंडर रूट टू। अब यहाँ पे देखें ये दोनों बेसिस सेम है, बट इनके साइन क्या है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों बेसिस सेम है इनके साइन डिफरेंट है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्यू माइनस वन अपॉन टू के वैल्यू मेरे पास अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू आ जाएगी, ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्यू माइनस वन अपॉन क्यू, तो ये मेरे पास दो अंडर रूट टू है, तो यहाँ पे आएगा टू अंडर रूट टू, मेरे पास टू माइनस वन अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई। अब मैं अगली वैल्यू क्या निकालनी है, क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, क्यू स्क्वायर क्यू माइनस वन अपॉन क्यू इक्वल टू टू अंडर रूट टू। इसमें मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड पे, मैथ का रूल है अगर स्क्वायरिंग होगी तो इस साइड पे भी होगी और इस साइड पे भी होगी, ठीक है, तो दोनों साइड पे मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, ए प्लस बी प्लस टू माइनस टू ए बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब ए की जगह पे मैं ए की वैल्यू और बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू वन अपॉन क्यू प्लस वन अपॉन क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू टू अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्यू से यू ए क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, वो कैसे, क्यू जब यहाँ पे जाके वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू एलिवेट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा क्यू अपॉन क्यू, ये दोनों आपस में सेम बेसिस हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर टू अपॉन टू ऐसे लिखा हुआ था तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, क्यू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे टू का ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बट इसके ऊपर ये बाकी रहेगा स्क्वायर, तो टू टू दा फोर और ये टू ऐसे रहा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ, क्यू प्लस अंडर क्यू प्लस वन पॉइंट क्यू को पहले लिख देता हूँ और टू को इधर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको सिर्फ रीअरेंज किया मैंने, अभी इक्वल टू को उधर नहीं करेगा, सिर्फ रीअरेंज किया, और यहाँ टू फोर दा एट मुझे ये वैल्यू निकालनी है, मेरे पास ये वैल्यू आ तो गई है, बट यहाँ पे ये टू जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, इस टू को मैं क्या करूंगा इक्वल टू के उधर ले जाके प्लस कर दूंगा,
ठीक है, अगर इक्वल टू के इस तरफ कोई भी चीज जाती है वो साइन उसका चेंज करता है, अगर वो नेगेटिव में तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर पॉजिटिव में तो नेगेटिव हो जाएगी। क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एट प्लस टू क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर ये टेन।